में हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर में जो कई सालों से पानी में था, अब वो दिखने लगा है। मैं आपको इसके बारे में बता दीजिए। सर ये अरियारा बुकराय का पैसा है। ओके। ये कृष्ण जोरे का है। ओके। ये चारों गांधी मार्ग का फ्लैट का है। ओके। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का है वो नहीं, वो ये सर ये वाले कॉपर है ना प्योर। ये गंदी है बंबे के, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। ओके। और ये वाले वो बोले नहीं, वो ओरिजिनल है सर, बना हुआ चीज़ है, ये सारे ओरिजिनल है। ओके गाइस, ये भी सिक्के होते थे पहले। ओ कृष्ण देव राय के। हाँ ये कृष्ण जी हो रहा है के ये सिक्के होते थे पहले। और ये सिक्का कितना छोटा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिक्का इतना छोटा है आप देख सकते हैं। और ये भी दिल्ली से आए। जी दिल्ली से। ये भी मुद्राएं हैं, सिक्के हैं। ये भी वो सिक्के हैं सर, बना हुआ चीज है। ओके ये भी सेल करते हो आप, तो इनका एक एक पीस का क्या प्राइस है? कौन सा चाहिए उसको? सबका बताओ, एक एक पीस का प्राइस। भैया ये 20 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये 30 रुपए का, 30 का, ये 60 का, 60 का, 60 का, 200 का, ऐसी वाली है सर। ओके। और ये 500 का, 100 का, 100 का। ओके। और वो सब 500, 300 ऐसा बिकते होता सारे। ओके बना हुआ। काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर कोई कलेक्शन करता है इन सिक्कों का तो ज़रूर, अगर हम्पी आता है तो शायद ये अंकल आपको मिल जाए मंदिर के बाहर। हम्पी का सिंबल है। ओके। ये हम्पी का सिंबल है भाई। अभी हम लोग इसी रथ को देखने जाएंगे। ओके। इनके पास सब कुछ ब्रास से बना हुआ है, सब कुछ ब्रास का है। ये कान्हा जी की मूर्ति मैंने पूछी थी इनसे, ये तकरीबन 40,000 रुपीज़ की है, 40,000 रुपये की। एक्सपेंसिव चीज़ें हैं पर प्योर हैं, ब्रास है, काफ़ी हैवी है, मैंने इसे उठा के भी देखा था। वैसे भूखे थे और अभी खाना लग गया। ये मंदिर के बाहर एक पार्क है बहुत अच्छा, यहाँ पे भी खाना चलेगा अपना। गाइस अभी जो मैं आपको मंदिर दिखाने जा रहा हूँ, ये सबसे पुराना शिव मंदिर है हम्पी राज्य का, और यहाँ की आबादी तकरीबन 4 लाख थी 14th सेंचुरी में। और यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, उसके अंदर रातों रात इस राज्य की जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। और ये जो शिव मंदिर है ये पानी के अंदर है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये पहले पानी में डूबा हुआ था, अभी भी पानी के अंदर ही है। हाँ जी, जैसा कि आप देख पाएंगे अभी, ये मंदिर की, इस मंदिर के टूटने का कारण भी तालीकोटा का युद्ध ही माना जाता है। देख सकते हैं आप, सब चीज़ें टूट चुकी हैं युद्ध के दौरान। अभी पानी कम है, मैं जब पिछली बार इसमें आया था तो यहाँ पे पानी था। हम चप्पलें यहाँ निकाल देंगे क्योंकि मंदिर है ये। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इससे आगे पूरा पानी है। यहाँ पे पूजा आज भी होती है, लेकिन सिर्फ एक पंडित सुबह सुबह आता है, वो इसकी पूजा करता है। आप देख सकते हैं हर जगह पानी है। एक समय था जब लोग यहाँ आते थे पूजा पाठ करने, लेकिन आज ये मंदिर लगभग पूरा जलमग्न हो गया है। और पता नहीं, शायद 700 साल या 800 साल से पुराना मंदिर है, और पूरा पत्थर के अंदर नंदी महाराज विराजमान है। अंदर काफ़ी अंदर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये जो आप पत्थरों में होल देख रहे हैं, ये पूरा गोल है, देख सकते हैं। ये होल बनाए जाते थे मसालों को पीसने के लिए, या रंग पीसने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ को कूटने के लिए। जैसे अभी इस समय में हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे उखल होता था पहले, तो ये पुराने समय के उखल हैं। एक बड़े पत्थर के अंदर होल करके बनाया जाता था जिससे मसालों को कूटा जा सके, या किसी भी ऐसी चीज़ को कूटा जा सके जिसकी खाने में या लगाने में ज़रूरत हो। देख सकते हैं वहाँ पे एक लंगूर भी बैठा है, तो वो हमें देख रहा है, हम उसके पास नहीं जाएंगे गाइस। अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो हमें वैसे ही भागना पड़ेगा।
ये मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ पे भी शायद कोई मंदिर था और वो भी खंडित हो चुका है इस समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका प्रयोग भी मसाले कूटने के लिए होता था। ये मैंने म्यूजियम में पढ़ा था कि ऐसे जो होल बनाए जाते थे पत्थरों में, उनका इस्तेमाल मसाले कूटने के लिए किया जाता था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी एक समय में एक छोटा पत्थर होता, मंदिर होता था, सॉरी। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे पत्थर के ऊपर, ये जो चीज़ है इनका इस्तेमाल किया जाता था पत्थरों को जोड़ने के लिए। इन पत्थरों को ऐसे अटैच करके इसके अंदर लोहा पिघला के डाल देते थे, जिसके कारण ये पत्थर आपस में जुड़ जाते थे और टूटते नहीं थे। ये सेम चीज़ यहाँ है। ये मंदिर के कुछ पार्ट्स हैं जो टूट चुके हैं आज और ये साइड में डाल दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस पोल पे गणेश जी का मूर्ति बना हुआ है, ये देखिए। और ये शायद कोई पुराने समय का कुआं होगा। हाँ, ये कुआं ही है जो कि बंद है फिलहाल। तो एक शिव मंदिर है। हम सबके घर में एक चीज़ देखी जाती होगी कि किसी भी पूजा से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और घर में घुसने से पहले भी बाहर गणेश चौखट के ऊपर गणेश जी की मूर्ति होती है। तो वो चीज़ अभी से नहीं, कई हज़ार सालों से चली आ रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो मंदिर है ये कई हज़ार साल पुराना है, लेकिन इसके चौखट के ऊपर भी गणेश जी बने हुए हैं हर तरफ, ऊपर भी और यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं। तो गाइज़, अभी हम दिखाने वाले हैं आपको जल महल, की रानी का जल महल था ये, जो कि अभी पूरी तरीके से खंडर में चेंज हो गया है। और मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा इसकी हिस्ट्री, पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। और ये था रानी का महल, जहाँ रानी का मतलब रूम था एक, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ रानी का रूम था ये, जो कि अभी पूरी तरीके से टूट चुका है। पीछे आप गार्ड को देख सकते हैं। रानी महल का अधिष्ठान देख सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एक बोर्ड दिखाया, आप उसे रोक के पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि कोई मतलब कि साक्ष्य नहीं है कंप्लीट कि ये रानी का ही महल था, बस बताया जाता है। तो मैंने वही बताया जो मैंने सुना, बाकी आप उसे रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप और रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कमल महल। पे कारीगरी की गई है, ये पूरे चूने की और ईंटों पे ये कारीगरी की है। चूने से बेल बनाई हुई है और बहुत सारे डिजाइन्स हैं, कमल के फूल की तरह या उसके पत्तों की तरह उस डिज़ाइन में बनाया गया था पुराने टाइम पे। देख पा रहे होंगे रानी और उनकी जो सखी होती थी वो नृत्य करती थी, गाना गाना और काफ़ी चीज़ें। और ये उसी समय का एक पुराना कुआं है जो फिलहाल बंद है। पहले पानी का जो स्तर था, वाटर लेवल, वो काफ़ी ऊंचा होता था, तो ये ज़्यादा गहरा नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। तो अभी जो आप देखने वाले हो उसे कहते हैं हाथीशाला, और इसकी हिस्ट्री भी जो इसके बारे में बताया गया है, मैं उसको भी वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। तो ये होती थी हाथीशाला,
यहाँ पे 11 हाथी रखे जाते थे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे उनका खान पान होता था। ये 11 हाथी वो होते थे जो युद्ध में सबसे आगे चलते थे। करता हूँ उसको अंदर से कवर करने का। देख सकते हैं आप, वहाँ सैनिक कक्ष होते थे और पहाड़ियों के ऊपर। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी चौकी होती थी सैनिक की, जो कि रात को ड्यूटी दे। अंदर से कुछ ऐसे हैं। यहाँ रहते थे हाथी, वही चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ भी। और यहाँ से जो भी उन्हें चारा या कुछ डालते थे तो यहाँ से वो पास हो सकते थे। हर 3-4 रूम में बनाया रखी है दीवार, इसको क्रॉस करके हम एक दूसरे रूम में जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी कारीगरी की गई है इसकी मजबूती के लिए। और यहाँ से शायद ऊपर जाने के लिए बना रखा है। हर एक हाथीशाला अलग तरह की है, किसी की छत प्लेन है तो किसी में गुंबद बना रखा है। देख सकते हैं आप, जैसे ये देखिए कुछ इस प्रकार के पिलर लगे हुए हैं इसमें पत्थर के। हाँ क्या है, नहीं गोप्रो है तो क्या है बेटा? ये अपना छोटा ब्लॉगर क्या दिखा रहे हो? तो हर एक हाथीशाला अलग तरह की है। इसके अंदर गुंबद है बहुत बड़ा, कोई प्लेन है, किसी में गुंबद है। हर एक चीज़ एक अलग तरह को दर्शा रही है। बेटर लग जाएगी, देख पा रहे हो? यहाँ पे कोई देख, पीछे जाने के लिए कुछ था, वो इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। अभी देख सकते हैं उसको भी सीमेंट से ब्लॉक किया हुआ है। तो कुछ ऐसा है। और ये वॉच टावर हैं पुराने टाइम के। इस जगह पे सिर्फ 3 वॉच टावर हैं टोटल। ये सैनिक कक्ष होते थे, अभी इनको मंदिर बना दिया गया। भाई ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी ऐसी अच्छी अच्छी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आप लोग भी कुछ मिस करें, ना मैं कुछ मिस करना चाहता और ना मैं चाहता कि आप भी कुछ मिस करें। हर एक चीज़ देखें, हर एक वो चीज़ देखें जो मैं देख रहा हूँ। अभी ये ताला लगा रखा है इस पर। और सैनिक कक्ष होते थे एक टाइम पे, फिर इनको मंदिर बना दिया गया। ये वो मूर्तियाँ हैं जो कि खुदाई के टाइम यहाँ पर निकली थी। यहाँ पर कोई भी ऐसे मूर्तियाँ नहीं हैं जो कि यहाँ पहले से रखी हुई थी। ये वही मूर्तियाँ जो खुदाई के टाइम निकली थी। जैसे ये हाथी का आधा सर, ये आदि का आधा हिस्सा है हाथी का, सॉरी, और ये हाथी का आधा सर। और ये होते थे पहरी घर, आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं। ये भी पहरी घर होते थे। पहरी घर बोलते थे जो वॉचमैन से या जो गार्ड्स होते थे उनके जो रूम थे। जैसे अभी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रूम मिलता है, ये कुछ वैसे ही रूम मिलते थे। ये वो रूम्स थे जो अभी टूट चुके हैं, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा अभी। अभी सिर्फ एक जगह और कवर करनी है हमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद चलते हैं घर। शायद कल मेरा प्लान बन सकता है किष्किंधा जाने का। किष्किंधा आप लोगों ने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, रामायण के समय राम जी ने वहीं से अपनी वानर सेना को भी इकट्ठा किया था। और वहाँ की स्टोरी मैं आपको कल पूरी बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं गार्ड रूम पूरी तरीके से टूट चुके हैं अभी।
ये हाथीशाला धूप से कुछ ऐसी दिखती है। Oh.